हो जाएगा और फोकल लेंथ जो है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज। जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो लेंस जो है वो थीन बनता है और उसकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। स्टूडेंट्स यू नीड टू नोट डाउन दिस पॉइंट, ओके, क्योंकि दिस कैन बी आस्क्ड इन सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और समथिंग, कि जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो लेंस थीन हो जाता है और फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और एकदम इसका वाइसा वर्सा जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ओके, तो लेंस ठीक बनेगा और फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, आई एम शोइंग इट विद डायग्राम। देखो जब मसल्स ऐसे रिलैक्स होते हैं तो नॉर्मल होते हैं, राइट, तो लेंस जो है उसका कर्वेचर कम होता है, इसीलिए उस वो थीन होता है, और थीन है दैट मीन्स द फोकल लेंथ इज मोर, इट इज इंक्रीजिंग। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देखो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सी, सपोज ये सिलियरी मसल्स है, राइट स्टूडेंट्स, ये फिंगर से डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, दैट्स व्हाई इट्स नॉट बिकमिंग परफेक्ट ऑन द मोबाइल स्क्रीन, बट यू कैन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, ये रिलैक्स पोजिशन में है, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये यहाँ से इसको पुश मिलेगा, यहाँ से पुश मिलेगा, ओके, तो ये लेंस जैसे कि हमने बोला जेली लाइक मटेरियल है, तो जैसे ही दोनों तरफ से उसको पुश मिलेगा, प्रेशर आएगा, तो ये जो लेंस है वो क्या बन जाएगा, थीन। ओके, मतलब उसका जो कर्वेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, मतलब वो उसकी जो कर्वेचर इंक्रीज होगा तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज, लेंस के ठीक होने से। ओके, आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल ऑफ डायग्राम, ओके, आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू। अभी अकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ आई में हमें दो चीज़ें समझनी है, दैट इज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। सी, जो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक, जहाँ से आई हमारी जो है दैट कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट। नियर पॉइंट या तो फिर लिस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से हमें दिखना स्टार्ट हो। ओके, नॉर्मल पर्सन के लिए दैट इज 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर से क्लोज है तो वो क्या हमें अच्छे से नहीं दिखेगी, तो आप ये चीज़ जो है अभी इसी वक्त एक एक्सपेरिमेंट, मतलब सिंपल एक चीज़ से समझ सकते हैं। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं मोबाइल में या टीवी में, आप 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस, मतलब एकदम उसको आपकी आइज के पास रख दीजिए, ओके, एकदम आइज से क्लोज ला दीजिए, तो आप देख सकेंगे कि आपको ये जो व्यू है वो क्लियर नहीं दिख रहा, यू आर नॉट एबल टू रीड द थिंग्स विच आर रिटन हियर। ओके, सो मिनिमम डिस्टेंस जो है आई से ऑब्जेक्ट का वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट है वो हमें अच्छे से क्लियरली दिखेगा। ओके, तो नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। नाउ विल टॉक अबाउट फार पॉइंट। देखो नियर पॉइंट की तो हमने बात कर ली कि अगर कोई चीज़ बहुत ही क्लोज है तो दैट विल नॉट बी विजिबल क्लियरली, बट कभी कभी क्या होता है, फारदेस्ट डिस्टेंस, सबसे दूर का डिस्टेंस, ओके, जहाँ तक मैक्सिमम हमारी आइज जो है वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए, ओके, तो ऐसे पॉइंट को हम फार पॉइंट कहेंगे, और नॉर्मल आई के लिए वो 25 सेंटीमीटर से बीच सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक होता है। अभी आपके माइंड में आएगा कि मैम हाउ वी कैन सी द थिंग्स विच आर प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। सी, जो सन है, बहुत सारे स्टार्स है, उसका जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा होता है, ओके, बट फिर भी वहाँ से जो रेज आते हैं उसकी वजह से हम उसे देख पाते हैं, दे आर विजिबल टू अस, तो फार पॉइंट है नॉर्मल आई का वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक का होता है, मतलब हमारी अगर आइज हमारी जो है वो उसका विजन नॉर्मल है तो हम बहुत ही दूर की चीज़ इन्फिनिटी तक अगर है तो उसको भी हम देख सकते हैं। ओके, आई होप वी ऑल आर क्लियर विद द वॉकिंग अकोमोडेशन पावर, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लेंस ड्यू टू द सिलियरी मसल्स। ये सब चीज़ें जो है, जो आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम आगे की जो हमारी थियोरी है उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, क्योंकि ये जब सो ये सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम यूज़ करके
एक डिफेक्ट्स देखने वाले हैं। देखो, आपने सुना होगा किसी पर्सन को दूर की चीज़ अच्छे से नहीं दिखती, या तो नज़दीक की चीज़ अच्छे से नहीं दिखती। तो व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है कि पर्सन को वो चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होता है, अच्छे से नहीं दिखता या तो धुंधली इमेज बनती है? तो उसका आंसर आपको ये स्लाइड में मिल जाएगा। ओके, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। सबसे पहले तो फर्स्ट इज मायोपिया। मायोपिया जो है उसे नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, जनरली क्या होता है, ऐसे रेज जो है वो जब आ रहे होते हैं, ओके, तो ये सबसे पहले लेंस पे जाते हैं, और लेंस पे जाके एज आई सेड कि वो अपना जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म करेंगे, ओके, आई एम शोइंग इट विथ रेड कलर, वो इमेज फॉर्म करेंगे यहाँ पे रेटिना पे। बट कभी कभी क्या होता है, मायोपिक आई मतलब जिस पर्सन को ये डिफेक्ट है विजन में, उनकी आइज़ के अंदर ये जो रेज है जो एक्चुअली यहाँ पे मीट करने चाहिए, ओके, वो पहले एक दूसरे को मिल जाते हैं, मतलब उसका जो मीटिंग पॉइंट है, ओके, वो नियर बाय हो जाता है, जिसकी वजह से जो चीज़ें है वो क्लियर नहीं दिखती, ओके? तो ये जो डिफेक्ट है विजन की, ये पर्सन में हो सकती है, और ये जो लोग है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट मतलब पास के ऑब्जेक्ट बहुत ही ईजीली अच्छे से क्लियरली देखते हैं, बट जो दूर की चीज़ें होती है उसे वो क्लियरली नहीं देख पाते, ओके? क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना की जगह पे रेटिना के आगे फॉर्म हो जाती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना द इमेज इज फॉर्म्ड। दैट्स वाई द पर्सन विद दिस डिफेक्ट विल नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नाउ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? सब में नहीं होता है, आपको पता होगा, किसी को आपने नॉर्मल लैंग्वेज में लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि ये मेरे पास के नंबर आए हैं, दूर के नंबर आए हैं। देखो दूर के नंबर मतलब उसको मायोपिया की प्रॉब्लम है, मतलब उसको नज़दीक की चीज़ें तो बहुत अच्छे से दिखती है, बट दूर की चीज़ें है वही अच्छे से नहीं दिखती, ओके? रीज़न सिंपल है, क्योंकि इमेज रेटिना की जगह पे रेटिना के फ्रंट पे फॉर्म हो जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटी। कभी कभी क्या होता है, लेंस जो है उसका कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। मैंने बोला था ना, जब मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ओके, तो कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। कभी एक सेकंड ये भी कंडीशन आ सकती है कि जो लेंस है उसकी लेंथ में कुछ चेंज हो सकता है, या तो जो आई बॉल है पूरा, ओके, पूरा जो आई का स्ट्रक्चर देखा, वो पूरा आई बॉल जो है उसकी लेंथ जो है वो भी अगर इंक्रीज हो जाए तो मायोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इन शॉर्ट यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रहा है वो आ रहा है ड्यू टू द फोकस, फोकस अच्छे से नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, आई लेंस में। ये प्रॉब्लम जो है इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सूटेबल कॉनकेव लेंस। देखो ये जो कॉनकेव लेंसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो रेज आ रहे हैं, ओके, इसको ये क्या करेंगे, फोकस करने में हेल्प करेंगे, और इसके फोकसिंग पावर की वजह से ये जो लेंस है जो कन्वर्ज हो रहे थे यहाँ पे, ओके, वो थोड़े से स्लाइटली डाइवर्ज हो जाएंगे। दैट्स वाई वो इमेज जो है एग्जैक्टली फॉर्म करेंगे रेटिना पे, और हमें वो जो चीज़ है वो क्लियरली दिखेगी। देखो हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो लेंस है दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब ये क्या करता है, रेस को कन्वर्ज करता है, मतलब एक उसको इकट्ठा करता है, एक जगह पे फोकस करता है, और ये जो है वो रेस को थोड़ा सा स्कैटर करता है। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे रेज स्ट्रेट जा रहे हैं, और यहाँ पे देखोगे ना तो ये जो रे है ये स्लाइटली ऐसे बेंड हो रहा है आउटसाइड, मतलब ये डाइवर्ज हो रहा है, दिस इज़ नॉट स्ट्रेट, ये डाइवर्ज, और ये डाइवर्ज हो रहा है जिसकी वजह से ये जो रेज है वो प्रॉपरली जहाँ पे उसको फोकस होना है वहाँ पे इमेज फॉर्म कर रहे हैं। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। देखो ये जो क्वेश्चन है दिस कैन बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स, ओके, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन इस साल बोर्ड की एग्ज़ाम में भी आया था, जहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताया था कि जो स्टूडेंट है उसको बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिख रहा, वो लास्ट बेंच पे बैठा है,
उसे बोर्ड पे अच्छे से नहीं दिख रहा, दैट मीन्स वो अपनी बुक के अंदर ईजिली रीड कर सकता है बट उसे दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, तो उसे कौन सी प्रॉब्लम है? तो द आंसर इज उसकी जो डिफेक्ट है विजन की, दैट इज़ मायोपिया. ओके, फिर हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये रीजंस एक्सप्लेन करने हैं, और थर्ड मार्क के लिए हमें लिखना है कि वी कैन ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द सूटेबल कॉनकेव लेंस. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आपको अच्छे से समझना है कॉनकेव लेंस जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है रेस को, जिसकी वजह से एक्सेस कर्वेचर की वजह से अगर ये प्रॉपरली फोकस नहीं हो रहा था तो ये लेंस की हेल्प से वो प्रॉपर प्लेस पे फोकस होगा, और जो पर्सन है उसे दूर की चीज़ें जो है वो भी एकदम अच्छे से और क्लियरली विजिबल होगी. ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट, दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया. ये वाला जो है फर्स्ट से एकदम अलग. यहाँ पे जो पर्सन है, ओके, उसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखते हैं, दूर की चीज़ें अच्छे से दिखती है, बट उनको नियर बाय ऑब्जेक्ट है जैसे कि रीडिंग है, बुक वगैरह है उसके पास, तो रीडिंग में उनको प्रॉब्लम होता है. ओके, तो ऐसा क्यों होता है? हो सकता है कि जो लेंस है, आई लेंस, उसका जितना कर्वेचर होना चाहिए उससे कम है, मतलब उसकी जो उसका जो कर्वेचर कर्व जो है उसका, जो उसे राउंड शेप देता है, वो अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, जो रेज है वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ अपने माइंड में रखो. ओके, यहाँ पे रेज जो है वो इन्फिनिटी दूर से आ रहे थे. ओके, आप देख सकते हैं कि रेज जो है कहीं दूर से आ रहे हैं, बट ये जो सेकंड डायग्राम है यहाँ पे रेज जो है वो एकदम पास की ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं. ओके, तो क्लियरली आपको डायग्राम देख के ही पता चलना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपी काय है कि मायोपी काय है. ओके, हाइपरमेट्रोपिया में नियर बाय थिंग्स जो होती है, लेंस उसको अच्छे से फोकस नहीं कर पाता ड्यू टू द डिक्रीज इन कर्वेचर और इंक्रीज द लेंस ऑफ आईबॉल, सॉरी इंक्रीज द लेंथ ऑफ आईबॉल. ओके, तो क्या होगा, उसकी जो इमेज है जो रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए वो रेटिना के पीछे फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स ये जो रेज है, ओके, वो क्या है, कन्वर्ज हो रहे हैं बट ज़्यादा डिस्टेंस पे. तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हम लेंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे पहले हम देख लेते हैं ये डायग्राम. ओके, जहाँ पे क्या है, रेज जो है वो बहुत ही नज़दीक से आ रहे हैं, और एज़ यू ऑल नो कि ये जो रिफ्लेक्ट बैक होके इमेज फॉर्म कर रहे हैं एट द बैक साइड ऑफ द रेटिना, तो उसकी वजह से जो पर्सन है उसको ये इमेज क्लियर नहीं दिखेगी, धुंधली दिखेगी. क्यों? क्योंकि फोकस नहीं हो रहा. बट अगर हम सूटेबल लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे सूटेबल फोकल लेंथ का, तो ये लेंस जो है वो क्या करेगा, जो रेज यहाँ पे फोकस नहीं हो पा रहे हैं, कन्वर्ज नहीं हो पा रहे हैं एक रेटिना पे, उनको फोकस करने में ये लेंस हेल्प करेगा. मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया था कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस है तो ये क्या करेगा, एक जगह पे फोकस करेगा रेस को, एंड इट विल बिकम हेल्पफुल टू फॉर्म इमेज एग्जैक्टली ऑन रेटिना, सो द पर्सन विल एबल टू सी द नियरर ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ. आपको पता है हमारे दादाजी जो है पहले के टाइम पे मतलब क्या होता था, दो चश्मे रखते थे. अभी भी अगर किसी के घर में ऐसा है तो दादाजी जब न्यूज़पेपर रीड करते थे तब वो अलग चश्मा लगाते थे, और जब वो बाहर जाते थे तब अलग चश्मा लगाते थे. व्हाट इज़ द रीज़न? देखो, जब वो बाहर जा रहे हैं कुछ एज के बाद क्या होता है कि पर्सन जो है उसके जो सीलियरी मसल्स है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी